जय श्री राम भाई सभी को। तो सुबह के बजे हो गए हैं 8 और हम निकल चुके हैं अपने काम पर। आज हम ले जाना है एक अंकल जी हैं उनके लोग के लिए, उनके हैं कुछ छोटे मोटे काम, तो कोशिश करेंगे 1-2 घंटे में वो फिनिश हो जाए, तो उसके बाद निकलेंगे अगली साइड पर। अभी आपको सुबह सुबह व्यू दिखा देता हूँ मनाली का, मनाली की वादियों का। आज सारा दिन बहुत ही बिजी रहने वाला है क्योंकि अभी जा रहा हूँ फैमिली साइड पे, 10-10 बजे तक करूँगा वहाँ पे काम। कोशिश तो ये रहेगी क्लोजिंग की कर दूँ वहाँ पे, उसके बाद चलेंगे दूसरी साइड पे। फिर शाम को एक और कॉटेज है वहाँ पे भी दिया हुआ है टाइम, तो वहाँ भी जाना पड़ेगा। तो आज रात के 10 बजेंगे काम पर, देखते हैं किस तरह से रहता है आज का शेड्यूल। से जाना है अपने ऊपर, ये लोकल घर है मनाली के। जय गौ माता। सामान आ चुका है हमारा, तो करते हैं शुरू। तो अभी हम जा रहे हैं दूसरी साइड पे, सुबह जहाँ मैं गया हुआ था वहाँ पे काम तो फिनिश नहीं हुआ, लेकिन टाइम ज़्यादा हो गया 10:30 बज के, तो नीचे भी जाना था इसलिए वहाँ पे कल करेंगे जो बचा है। अभी चलते हैं नेक्स्ट साइट पे। तो आज वहीं जा रहे हैं जहाँ पे कल परसों गए थे, 8-10 कमरे थे, आज भी अकेला ही हूँ जाने के लिए। पहुंच गए साइट पर और करते हैं काम शुरू। आज थोड़ी थकान सी महसूस हो रही है, देखते हैं क्या क्या बनता है। तो फटाफट से काम शुरू करते हैं और मिलते हैं आपसे थोड़ी देर में।
हाय फ्रेंड्स, तो शाम के बजने वाले हैं 5 और मैंने कर लिया है 3 कमरे, 2 किचन 2 वॉशरूम और टेस्टिंग वगैरह इनकी सुबह करेंगे हम। अभी जाना है कहीं और भी, कॉटेज में काम है तो उन्होंने कॉल की थी, तो वहाँ भी जाना पड़ेगा और मौसम भी आज ख़राब है, तो करते हैं पैकअप फटाफट और चलते हैं। हाय फ्रेंड्स, तो चल पड़े हम मेन रोड की तरफ और फिर यहाँ से 3-4 किलोमीटर आगे कॉटेज है, वहाँ पे जाना है। वहाँ झरी का काम है, कटर चलेगा तो हालत और ख़राब होने वाली है अभी, तो देखते हैं क्या क्या होता है, चलते हैं। तो पहुंच ही चुके हैं हम कॉटेज में, चलते हैं अंदर, करते हैं काम शुरू। हाइक लेके आनी चाहिए थी यहाँ, तो पहुंच चुके हैं हम अभी कॉटेज में और करते हैं अपना काम शुरू। कर चलेगा अभी तो हालतों की बहुत खराब, तो करते हैं फटाफट से और मिलते हैं आपके साथ। तो हम रेडी हो चुके हैं झरी के लिए, तो करते हैं स्टार्ट। कंडीशन देखो अभी, हेलो दोस्तों, तो रात के 8 बज चुके हैं और हम लगे हुए हैं ईमानदारी से, तो हालत देखो। फ्रेंड्स, तो रात के बज चुके हैं 9 और हालत हो गई है खराब, तो मन नहीं कर रहा काम करने का, और वैसे तो ख़त्म ही हो गया, थोड़ा सा बचा वो कल करेंगे, कल शाम को जरी वगैरह का काम था यहाँ पे कटिंग, तो वो करें 2-3 वॉशरूमों में। बाकी चलते हैं आप फिलहाल रूम की तरफ और मिलते हैं आपसे। तो निकल चुके हैं हम होटल से, चलते हैं रूम की तरफ और थोड़ी देर में ब्लॉग मिलेगा आपको आज का। देखने के लिए लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना चैनल को, और मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ।